जिले के बोरोसे मंदिर में इस समय हर रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराया जा रहा है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से मनोकामना भी पूर्ण होती है। इसके अलावा शरीर के कई कष्ट से भी मुक्ति मिलती है। देवों का देव महादेव की पूजा करने से सावन के माह में 13 की महाशिवरात्रि का दिन सबसे शुभ माना जाता है। और आइए जानते हैं महादेव शिव जी के पूजा करने से क्या लाभ मिलते हैं। ज्योतिष आचार्य प्रशांत शास्त्री बताते हैं कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने के बाद शिवलिंग को विधिवत पूजा करने से जीवन में सुख संपत्ति और शांति रहती है, साथ ही संतान सुख सब प्राप्ति होती है और सभी दुखों का छुटकारा भी मिलता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा से पहले भगवान के सामने बैठकर मन से पूजा संकल्प पढ़ें और अब किसी साफ जगह पर पवित्र मिट्टी का फूल और चंदन से शुद्धिकरण कर लें। भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करते हुए इस मिट्टी में गाय का दूध, गाय का गोबर, गुड़, भस्म, गाय के दूध का बना हुआ मक्खन बनाकर शिवलिंग का निर्माण करें। इस बात का ध्यान रखें कि पूर्व उत्तर दिशा में मुँह करके शिवलिंग को ही बनाएं। बोरोसे धाम जिला के सबसे प्राचीन मंदिर है। सावन के महीने में यहाँ सबसे अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। भिंड के बोरोसे मंदिर में हर रोज हजारों की संख्या में लोग रोज पहुंचकर भगवान शिव जी के दर्शन के बाद भगवान शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद करते हैं। क्या कार्यक्रम कराया जा रहा है? जो कार्यक्रम का नाम को सवा लाख रुद्राभिषेक एवं कथा 5 दिन का आयोजन है। 19 से 23 तक ये कार्यक्रम चल रहा है, जन कल्याण हित चल रहा है। सभी लोग जो काना को क्षेत्रवासी इसमें जुड़ें, इसका लाभ लें। अन्य जो उनके जो है रोग ग्रस्त या पीड़ा ग्रस्त या बीमारी ग्रस्त लोग हैं वो भी इसमें जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। उसमें जो है काना सनातन धर्म की पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए एवं शंकर भगवान की महिमा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सोमनाथ की कृपा से ये आयोजन रचाया गया है। सभी क्षेत्रवासियों को, सभी जिलावासियों के लिए ये आयोजन है और ये धर्म की महत्ता को बढ़ाने वाला है। शंकर भगवान की कब तक चलेगा ये? ये 23 तक चलेगा, 23 तारीख तक समापन है इसका। 23 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराया जा रहा है। पार्थिव शिवलिंग का 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराया जाए। आज तो 2 शिफ्ट में हुआ, 7 से रुद्रवरना शुरू हो जाते, 7 बजे से 9 बजे से पंडित लोग इकट्ठे हो करके इस शिवलिंग का निर्माण होता है। शिवलिंग निर्माण होता है, फिर उनका अभिषेक होता है, अभिषेक के बाद फिर विसर्जन होता है। आज तो 2 बार हुआ ऐसा, यानी 100 लोग बैठे 50-50 करके।